दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है आज की और बहुत अच्छा टॉपिक है इस वीडियो का। वीडियो को अंत तक देखें और हमें कमेंट्स करें इस वीडियो के बारे में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि बार बार पथरी बनना, यानी कि गुर्दे में बार बार पथरी बनना, और इसके लिए क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं जो कि भविष्य में आगे पथरियां ना बने। दोस्तों पथरी के लिए होम्योपैथिक में कई सारी दवाइयां हैं, आप इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं तो बहुत सारी दवाइयां आपको मिल जाती हैं वहां पर, और अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कई सारी दवाइयाँ वो आपको बता सकता है या वो आपको देता भी है जिससे आपकी पथरी ठीक भी हो जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए ठीक रहती है फिर से पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो क्यों ना एक मेडिसिन का ऐसा कंपोजिशन आपको बताया जाए कि आप उस दवाई को 3 से 4 या 5 महीने आप इस्तेमाल करें और आप देखें कि भविष्य में पथरी ना बने आपको। दोस्तों इसमें पथरी जो बार बार बनने में कहीं ना कहीं आपके खान पीन का भी एक अहम रोल रहता है कि अगर आप खान पीन सही तरीके से नहीं खाते और खाने के साथ पानी पीते हैं या चावल और जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं चने छोले राजमा सोयाबीन ऐसी चीज़ें उनका ज़्यादा सेवन आप करते हैं तो इन चीज़ों से भी पथरी बनती है। और दूसरा ये कि अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपकी डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है या विटामिन्स की कमी है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पथरी को बार बार बनने में हेल्प करती हैं। तो होम्योपैथिक की दो मेडिसिन दोस्तों, पहली मेडिसिन है कल्केरिया रेनेलिस 30 पोटेंसी की, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, अगर जर्मन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। 5 बूंदें सुबह, अगर बड़ा व्यक्ति है तो 5 बूंदें सुबह खाना खाने से पहले 1 चम्मच ताजे पानी में, अगर कोई छोटा बच्चा है तो 2 बूंदें सुबह सुबह 1 चम्मच ताजे पानी में खाने से पहले। और दूसरी दवाई है दोस्तों हाइड्रेंजिया क्यू, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर, ये बड़ा आदमी 10 बूंदें शाम के समय खाना खाने से पहले आधे कप ताजे पानी में, और बच्चों के लिए 2 या 3 बूंदें 1 चम्मच ताजे पानी में। ये दो ऐसी दवाइयां हैं दोस्तों जो बार बार पथरी को बनने से रोकती हैं। तो अगर आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का कम से कम 5 या 6 महीने इस्तेमाल करते हैं, इस दवाई का ना ही तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, आप इस दवाई को लगातार एक को सुबह लेनी है और दूसरी को शाम को, ना ही ज़्यादा दवाइयाँ हैं कि आपको बार बार लेनी पड़े, तो इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कीजिए और फिर कैसे रिजल्ट्स आपको आते हैं वो हमें आप फ़ोन करके मैसेज करके या हमारे चैनल पे जाके हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। तो दोस्तों होम्योपैथिक की दो मेडिसिन, नंबर 1 कल्केलिया रेनेलिस 30 पोटेंसी की, और दूसरी दवाई दोस्तों हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, ये आपको शाम को लेना है, और कल्केरिया रेनेलिस आपको सुबह सुबह लेनी है। तो दोस्तों आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें और फिर हमें इसके रिजल्ट्स बताएं। धन्यवाद दोस्तों।